हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ सीमा। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मलाई से घी निकालने का आसान तरीका। आज हम मिक्सी में मलाई से मक्खन निकालकर घी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं मलाई से मक्खन बनाना। सबसे पहले हम ले लेंगे मलाई। यह मेरे पास करीब 4 दिन के दूध की मलाई है। चलिए सबसे पहले मलाई से हम बनाएंगे मक्खन और फिर बनाएंगे घी। सबसे पहले हम एक मिक्सी जार लेंगे। फ्रेंड्स, मिक्सी में 2 से 3 मिनट लगती है। अब हम मलाई को जार में ट्रांसफ़र करते हैं। मैंने मलाई को जार में डाल दी है। अब इसमें आधी कटोरी ठंडा पानी डाल देंगे और इसे कवर करके मिक्सी में चलाएंगे। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। अभी हमारा मक्खन नहीं बना है। अब इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी और ऐड करेंगे और फिर से कवर करके मिक्सी चलाएंगे। अब हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। देखो हमारा कितना बढ़िया मक्खन निकल कर तैयार हुआ है। अब हम मक्खन से पानी को अलग कर लेंगे। मैंने सारे पानी को अलग कर लिया है। अब हम मक्खन को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इस मक्खन के ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के अच्छे से धो लेंगे। दो से तीन बार पानी डाल के अच्छे से धो लेना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमारा मक्खन निकल कर तैयार हुआ है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप कोई भी बर्तन ले, उसका नीचे का तला थोड़ा मोटा होना चाहिए। इससे हमारा घी बर्तन में ज़्यादा चिपकेगा नहीं। अब हम गैस ऑन करके घी को गर्म करेंगे। फ्रेंड्स, इससे लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। इसे धीरे धीरे चम्मच से चलाते रहेंगे और इसके ऊपर झाग आना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, इस घी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसके सारे झाग खत्म हो गए हैं। आप देख सकते हैं यह है, घी बन गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हम घी को बिल्कुल ठंडा करेंगे, फिर दूसरे बर्तन में डाल देंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमारा घी बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसे हम छान लेते हैं। फ्रेंड्स, आज मेरी मलाई से मक्खन निकालकर घी बनाने की ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। फ्रेंड्स, मैंने घी को छान लिया है। अब हमारा घी बनकर तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।